अमित शाह 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने मुस्लिम आरक्षण, भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने, PFI बैन और JD कांग्रेस को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने नेताओं की कमी है। उसका दिवालियापन इस बात से साबित होता है कि चुनाव लड़ने के लिए भाजपा छोड़कर आए नेताओं पर आश्रित हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपको भाजपा की डबल इंजन सरकार और कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार में एक को चुनना है। उन्होंने कहा कि हमारे एक दो नेताओं ने पार्टी क्या छोड़ दी और उनकी पार्टी में क्या शामिल हुए, उन्हें लगने लगा कि बहुत फ़ायदा हो गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपने तो हमेशा ही लियांगत समुदाय का अपमान ही किया है। इतने लंबे शासनकाल में सिर्फ 2 ही लियांगत मुख्यमंत्री दिए और दोनों को ही अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने जब येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया तब JD का उपयोग करके कांग्रेस ने ही उन्हें पद से हटने पर मजबूर किया था और आज वह हमारे ही पुराने नेताओं का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।